डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है, ये हाइपर प्रेशर या हाइपरटेंशन। हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होती है हमारे बॉडी के लिए एक नॉर्मल एक कंडीशन होती है जिसका कि एक वैल्यू होना चाहिए, जिसका वैल्यू होती है जैसे दो ब्लड प्रेशर जानते होंगे, ये हार्ट है यहाँ पे आर्टरी, ये वाल्व। तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं कि जब ब्लड मूवमेंट के समय जो लेटरल प्रेशर जो जनरेट करती है इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर का मेरे बड़े फंक्शन क्या होता है बता रहे थे कि इससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है, ब्लड सप्लाई होती है, प्लस इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी भी हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर करती है। यह ब्लड प्रेशर में दो ब्लड प्रेशर होती है, एक होता है जो मैक्सिमम प्रेशर होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक होता है मिनिमम प्रेशर जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यह ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है जिसका कि एक एवरेज वैल्यू 120 mmHg बोला जाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होती है इसका जो होता है डायस्टोलिक का 80 mmHg बोला जाता है, प्लस माइनस 10 इसमें भी है, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 10 इसमें होती है। तो ये जो होती है ब्लड प्रेशर का एक एवरेज वैल्यू होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट में अगर इसे बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपर प्रेशर बोलते हैं। यही ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यू बढ़ा रहता है बॉडी में तब ये हाइपर टेंशन हो जाती है। अब रही बात इसमें कि हाइपर टेंशन हो क्यों जाता है, तो इसके पीछे एक तो रीजन यहाँ पे होती है हार्ट से, यहाँ से ज्यादा पंप होंगे तब उसके वजह से दिक्कत हो सकती है। एक दिक्कत कहां से, हार्ट के वजह से पहला। दूसरा गड़बड़ी होती है ब्लड वेसल्स से, सेकंड होती है ब्लड वेसल्स, वेसल्स की गड़बड़ी। तो वेसल्स में क्या गड़बड़ी हो सकती है, वेसल्स में स्पाज्म हो सकते हैं, वेसल्स में डिपोजिशन हो सकती है, वेसल्स का इलास्टिसिटी लॉस हो सकता है, और तीसरे नंबर पर होती है ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये तीन तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होता है, एक हार्ट, दूसरा वेसल्स और तीसरा ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हार्ट की से बात करते हैं हम लोग, अगर हार्ट में फोर्स ऑफ कंटेक्शन ज्यादा होता है, जैसे स्ट्रेस अगर होने पे, फियर अगर आने पे क्या होती है ना कि फोर्स ऑफ कंटेक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन में, तो जब इसका फोर्स ऑफ कंटेक्शन बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ब्लड का अमाउंट ज्यादा निकलेगा। जहां पर नॉर्मल में 70 ml ब्लड निकलती है एक बार में, यहाँ पर 100 ml निकलेंगे। अब ज्यादा ब्लड निकलने से क्या हो जाएगी, जो इसके जो वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, एक कारण यहां से होता है। दूसरा कारण होते हैं वेसल्स के कारण, वेसल्स में जैसे मान लीजिए सब पौधे लंग्स से एक एंजाइम निकलती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, और वह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ज्यादा बनने लग रहा हो, एंजियोटेंसिन ज्यादा बन रहा है, उस केस में वेसल्स स्पाज्म होती है, ज्यादा वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन डेवलप करती है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्शन में दिक्कत होगी, जो मेनोपॉज जनरली इसीलिए होती है, मेनोपॉज बीपी बढ़ जाता है। अब इस ये सब ये तो होती है इसका वेसल्स का कारण। कभी कभी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि वेसल्स का इलास्टिसिटी लॉस कर जाता है। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे वेसल्स के अंदर ल्यूमिनल इंडोथेलियल सेल्स में क्या होती है फैट का जमा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। अब एक तीसरा कारण जो होता है ब्लड का कंपोनेंट चेंज कर जाएंगे, इस भिस्का ज्यादा हो जाएगी, तो ये सब कई ऐसे वजह होती है जो इसके कारण जो मेन फैक्टर होते हैं बीपी को बढ़ने का। बाकी कुछ कारण होते हैं जैसे कि ओवर साल्ट लेने की वजह से, फैट ज्यादा यूज करने के कारण, लीवर डिजॉर्डर्स की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, रिनल डिजीज, स्ट्रेसफुल लाइफ, सिडेंटी लाइफ स्टाइल्स, इसके बाद लेस एक्सरसाइज, तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे कॉज होते हैं। अब पता भी नहीं चलता बहुत लोग, तो ये पता चला कि मेरा बीपी बढ़ा क्यों, अब कुछ तो जेनेटिक भी होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ने के पर कतर पता नहीं चलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब भी बीपी बढ़ रहा हो तो शुरुआत से पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है जैसे यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने पर, हाथ पैर में थोड़ा कंपन होने पर, ओवर एक्साइटमेंट होने पे, ये सब से तब पता चलता है कि लगता है कि बीपी बढ़ा हुआ है।
तो ये बीपी बांटने पे कुछ सिम्टम आने लगता है शुरू में। अब हम लोग जाते हैं बीपी जांच कराते हैं, लगातार 3 सप्ताह तक जांच कराते हैं, 3 सप्ताह में रीडिंग अगर बढ़ा हुआ आता है अगर बाय द वे, तब हम लोग इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग। अब ये तो हम लोग बात चले कि हम लोग इतना ऐसे कर लेते हैं, हम लोग नाप देख लेते हैं, हम लोग मेजरमेंट करके, मेजरमेंट जब भी करते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर मेथड से करिएगा, उससे जो है ब्लड प्रेशर अच्छा पता चलता है। जब हमें पता चलता है इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि हाइपरटेंशन का 2-3 ऑर्गन का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, 3 ऑर्गन्स में, पहला तो ब्रेन का कॉम्प्लिकेशन, दूसरा हार्ट का कॉम्प्लिकेशन, तीसरा किडनी का कॉम्प्लिकेशन। 3 ऑर्गन में हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्रेन में एनुरिज्म बन जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो सकते हैं, और किडनी में किडनी फेल हो सकते हैं। 3 ऑर्गन को हाइपरटेंशन बर्बाद करता है, हमें इसको मेंटेन करना है। कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, पहला तो जांच कर लेंगे हम लोग, जांच क्या क्या करेंगे हम लोग, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करके देख लेते हैं पहले हम लोग। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा के देख लेते हैं, है ना, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो क्या मिलेगी इसमें, LDL कोलेस्ट्रॉल इसमें भरा रहेंगे, इसमें ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज मिलेंगे, दोनों भरा हुआ मिलता है, HDL कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ रहता है, क्योंकि हाइपरटेंशन में जनरली HDL कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये हम लोग करा के देख सकते हैं। दूसरा है सीरम सोडियम, सोडियम कराएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, सीरम सोडियम बढ़ा हुआ रहेगा, सोडियम इंक्रीज मिलते हैं। एंजियोटेंसिन इसका जांच कराएंगे तो एंजियोटेंसिन का जांच कराएंगे, ये भी बढ़ा रहेगा, एंजियोटेंसिन इसका जांच कराते बढ़ा होता है। बाकी कोई हमें पार्टिकुलर, अब कभी कभी T3 का भी जांच करा के देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है वो पता नहीं चलेगा हमको, तो ये तो आइडिया लग जाता है। हम लोग आते हैं मैनेजमेंट पे, अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहला नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, वो भी कार्डियक मॉनिटरिंग करके देखते हुए, क्योंकि मान लीजिए सपोज हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, सपोज हाइपरटेंशन वाले को प्रॉब्लम हो गया, तो अगर हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे तो उसके बाद दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग पहले नॉर्मल एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद साल के अवॉइड कराते हैं उसको हम लोग, उसको फैटी डाइट से अवॉइड करते हैं, जो ऐसे जो भी डाइट मिलते हैं जिसमें कि फैट बढ़ सकते हैं उस डाइट को लोग अवॉइड कर देते हैं। तो इससे क्या होती है कि अधिकांश फाइबर डाइट ज़्यादा देते हैं हम मरीज को, जो जितने भी डाइट वैसे जो कि फल जो कि जमीन के अंदर होते हैं वो सब चीज़ को हम लोग अवॉइड करवा देते हैं, नहीं तो उससे क्या होती है कि फैट जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद एनिमल डाइट को पहले मना कर देते हैं, एनिमल जो घी और बटर वगैरह होता है उसको मना कर देते हैं, ये सब जो होती है वो हम लोग का नॉर्मल लाइफ ये डाइट में मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर होम्योपैथिक ड्रग्स, होम्योपैथिक ड्रग्स में जो है रोल्फिया बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद लैकेसिस, इससे जो होती है वो कार्डियक रिदम कंट्रोल होती है। उसके बाद इसमें हम लोग ये क्या बोलते हैं फॉस्फोरस भी चलाते हैं, लाइकोपोडियम है ये देते हैं इस केस में, डिजिटेलिस ये चलाते हैं, कालीफॉस बेस्ट मेडिसिन आती है कालीफॉस, जिसको जिस जो कि ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करती है ये, तो ये सब जो कुछ मेडिसिन है ये हम लोग मरीज को देते हैं। और अगर बाय द वे कॉज को ढूंढेंगे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग देखे ब्लड प्रेशर का ये तो हो गया नॉर्मल देना कि नहीं कुछ समझ आया तो चलो कालीफॉस दे दिए, नहीं कुछ समझ आया तो लैकेसिस दे दिए, नहीं आया तो डिजिटल समझ दे दिए, नहीं आया तो रोल्फिया दे देते हैं, रोल्फिया क्यों नंबर उनकी दवा आती है ये तो आप दे देते हैं। लेकिन क्या होती है हमें पहले कॉज ढूंढना होगा कि कौन सी कॉज किसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कार्डियक डिजॉर्डर्स है, रीनल डिजॉर्डर्स है, तो जिसके जब तक कौन ढूंढेंगे नहीं तब तक हम लोग परफेक्ट दवा नहीं दे सकते हैं। बाकी बातें हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।